संगठन उत्सव के समय उन्होंने ये देश के सामने उद्घोष किया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक आधुनिक सुसज्जित कार्यालय देश के प्रत्येक जिले में होना चाहिए। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में 10 जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है और 4 कार्यालयों का आज शिलान्यास हुआ है। देश भर में भी जो 512 जगह कार्यालय बन रहे हैं उनमें से आधे से अधिक कार्यालय आज पूरे हो चुके हैं, शेष में निर्माण कार्य जारी है। कार्यालयों के बनने से, क्योंकि कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकारिणी के लिए गतिविधि का केंद्र होता है, तो ये जो कार्यालय बनने से भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिला के नवनिर्मित कार्यालय का समारोह पूर्वक हुआ उद्घाटन। जयपुर रोड कांकरदा भूनाबाई में बने कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के नवनिर्मित विशाल आधुनिक कार्यालय का विधिवत उद्घाटन वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी के अवसर पर बुधवार को समारोह पूर्वक किया गया। जयपुर रोड कांकरदा बूनाबाई में 3000 स्क्वायर यार्ड में बने इस विशाल और भव्य कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने वर्चुअल माध्यम से किया। तो वहीं समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर संभाग प्रभारी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता सहित सांसद, जनप्रतिनिधि, विधायक, महापौर, उपमहापौर सहित शहर व देहात के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुधवार प्रातः 8:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें गणेश जी की पूर्ति स्थापना, यज्ञ हवन का आयोजन विधिवत पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में किया गया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉ. प्रियेशी लाड़ा, महापौर ब्रजलता हाड़ा और भाजपा देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने सहपत्नी हवन कुंड में आहुतियां डाली। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता व सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। विधिवत पूजा अर्चना के बाद कन्याओं का पूजन किया गया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोज कराकर सभी ने स्नेह भोज का आनंद लिया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से मुखातिब हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मौजूदा गृह मंत्री व तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा देश भर के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आधुनिक कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत आज देश भर में 10 जिलों में नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन किया गया, तो वहीं 4 जिलों में कार्यालयों की नींव रखी गई है। देश भर में 512 कार्यालय बन रहे हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा बन चुके हैं, क्योंकि कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकारिणी के लिए गतिविधि का केंद्र होते हैं। कार्यालय बनने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के काम को और अधिक गति मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का व्यापकता और दायरा बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और अधिक यशस्वी होगी, कार्यकर्ता प्रेरित होंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की छोटी से छोटी इकाइयों में भी कमल खिलाने में सफल होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों द्वारा बिजली पानी के विषय में पूछे गए सवालों का भी विस्तृत जवाब दिया। एक निश्चित लक्ष्य और एक सुनिश्चित कार्य पद्धति के आधार पर काम करते हुए इस मुकाम पर पहुंची है कि आज वो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। लेकिन प्रारंभ से लेकर आज तक कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति और इस सफलता का आधार रहा है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मेरुदंड भी है और देश में एकमात्र पॉलिटिकल ऐसी पार्टी है जो सांगठनिक क्षमता के आधार पर, संगठन की ताकत के आधार पर बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पर पहुंची है। वर्तमान गृहमंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2015 के संगठन उत्सव के समय उन्होंने ये देश के सामने उद्घोष किया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक आधुनिक सुसज्जित कार्यालय देश के प्रत्येक जिले में होना चाहिए। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में 10 जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है और 4 कार्यालयों का आज शिलान्यास हुआ है। देश भर में भी जो 512 जगह कार्यालय बन रहे हैं उनमें से आधे से अधिक कार्यालय आज पूरे हो चुके हैं, शेष में निर्माण कार्य जारी है। कार्यालयों के बनने से, क्योंकि कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकारिणी के लिए गतिविधि का केंद्र होता है, तो ये जो कार्यालय बनने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के काम को और अधिक गति मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का व्याप और अधिक बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और अधिक यशस्वी होगी, कार्यकर्ता प्रेरित होंगे और निश्चित ही
भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की छोटी से छोटी इकाई में भी कमल खिलाने में सफल होगी। कुछ नहीं सुन रहा, बिजली के साथ साथ पानी का भी संकट गहरा था प्रदेश में। देखिए बिजली का संकट, जब कभी भी इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है हमेशा ही बिजली का संकट आया। और मैं आप पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये आप लोगों के लिए भी एक अनुसंधान का विषय होना चाहिए कि ऐसा हमेशा ही क्यों होता है कि कांग्रेस की सत्ता जब आती है, जब जब कांग्रेस जाए प्रदेश में इस तरह का बिजली संकट क्यों गहराता है। जहाँ तक पानी का विषय है, राजस्थान में पीने का पानी का संकट हमेशा से गर्मियों के समय में रहता है, लेकिन इसी परिस्थिति को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में घोषित किया था और जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। उचित गुणवत्ता का, समुचित मात्रा में और नियमित रूप से पानी हर घर में पहुंचे, ये लक्ष्य रखा गया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5 साल के कालखंड में कोरोना की आपदा होते हुए भी हम देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूँ तो कुल 19 करोड़ घरों में से जो 16% घर तक ही पानी पहुंचता था, आज हम देश के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी नल के माध्यम से मुहैया करा पाए। लेकिन राजस्थान की तरफ जब मैं देखता हूं तो बेशक राजस्थान को हमने देश में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया, 27,000 करोड़ रुपए का आवंटन हमने राजस्थान सरकार को पिछले 4 साल के बजट में किया है, 19-20, 20-21, 21-22 और वर्तमान जो 22-23 का बजट घोषित हुआ है। लेकिन उस 27,000 करोड़ के बजट के सापेक्ष राजस्थान सरकार अब तक केवल 4,000 करोड़ रुपए ही वहाँ से ड्रॉ कर पाई है और खर्च केवल 3,000 करोड़ रुपए कर पाई है। यदि काम की प्रगति के दृष्टिकोण से देखूँ तो राजस्थान आज देश में 33 प्रदेशों में 29वें नंबर पर है और पिछले 2.5 साल में हुए काम की गति के अनुसार अगर मैं देखूँ तो 33 में 32वें नंबर पर है। और उसमें भी जिस तरह से गाये बगाये भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं, आप ही सब मित्रों ने दूध के प्रकरण को जिस तरह से जनता के सामने लाया था, आदरणीय भागीरथ चौधरी जो सांसद हैं उन्होंने इसे जो है पूरी प्रमुखता के साथ में उठाया था कि पुराने काम को नया बता करने की चेष्टा जिस तरह से की थी। तो जो राजस्थान में इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार करने के साथ साथ में गति भी इतनी कम है कि आज पूरा देश राजस्थान की तरफ उपवास की दृष्टि से देखता है। हमने बार बार बैठकें की है, पिछले महीने की 8 तारीख को हमने राजस्थान के साथ समीक्षा की, उसके बाद पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में भी हमने राजस्थान के साथ में समीक्षा की है। हालांकि राजस्थान में पिछले दिनों में कुछ काम में प्रगति आई है और काम में प्रगति आने के चलते भारत सरकार ने जो है इन्होंने जो योजनाएं बना करके भेजी है, लगभग राजस्थान के 1 करोड़ कनेक्शंस जो कुल दिए जाने उसमें से हमने 95 लाख कनेक्शंस को सैंक्शन कर दिया है। केवल 5 लाख कनेक्शंस की योजनाएं बनना बाकी है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसलमेर और ऐसे जिलों में है। लेकिन अब काम को गति प्रदान करना, काम को इम्प्लीमेंट करना, DPRs को इम्प्लीमेंट करना, उनको बाद में जो है ऑगमेंट करना, उस पर उनका रखरखाव करना, क्योंकि जल राज्य का विषय है संविधान प्रदत्त व्यवस्था से, इसलिए राज्य की सरकार को इसमें और अधिक गति लाने की आवश्यकता है ताकि हमारी महिलाओं को सर पर पानी ढोने के इस अभिशाप से मुक्ति मिल सके। वहीं भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि जयपुर रोड कांकरदा बूनाबाई में 3,000 स्क्वायर यार्ड जमीन को 1,72,00,000 रुपये में भाजपा द्वारा खरीदा गया था, जिस पर 600 स्क्वायर यार्ड में 3 मंजिला कार्यालय भवन निर्मित हो चुका है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री व प्रदेश नेतृत्व के कई पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 मंजिला भवन में पहली मंजिल पर पार्टी अध्यक्षों के कार्यालय बनाए गए हैं, द्वितीय मंजिल पर 300 लोगों की उपस्थिति के लिए बैंक्वेट हॉल बनाया गया है, तो वहीं तीसरी मंजिल पर अतिथियों के लिए आवास व्यवस्था की गई है। कार्यालय संयोजक पुखराज पाड़िया के नेतृत्व में इस कार्यालय का निर्माण कराया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर और देहात दोनों का एक सामूहिक रूप से जो कार्यालय है हमारे अजमेर कांकरदा भूनाबाई में आज उसका शुभारंभ है। ये भवन लगभग 3,000 स्क्वायर यार्ड की जमीन है और 1,72,00,000 रुपए की जमीन की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने अदा करी थी और 600 स्क्वायर यार्ड में भवन निर्मित हुआ है। 3 मंजिला भवन है, उसमें पहली मंजिल पे विभिन्न पार्टी के पदाधिकारियों का और जिला अध्यक्षों का कार्यालय है
ऊपर की मंजिल में लगभग 300 जनों के बैठने की और मीटिंग की व्यवस्था है। उसके ऊपर तीसरी मंजिल पे यहाँ पे पेंट्री और दो मतलब यह जो गेस्ट आते हैं उनके लिए कमरों की व्यवस्था की गई है। इस तरह कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा और अच्छा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ है। आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के द्वारा अभी वर्चुअल इसका उद्घाटन हुआ है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए अजमेर शहर के लिए एक बहुत उपलब्धि है, क्योंकि हमारे जो पार्टी के तीन कह प्रचलित हैं कि कार्यकर्ता कोष और हमारा जो है पांच कैसे हम विभिन्न चीज़ें लेते हैं। तो आज जो कार्यालय के निर्माण के बाद हमारे पांचों के भारतीय जनता पार्टी अजमेर के पूरे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी अजमेर के लिए। भारतीय जनता पार्टी का अजमेर जिले का स्थायी कार्यालय का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लोकार्पण हुआ है। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, जो वर्षों के की तपस्या के बाद आज एक स्थायी कार्यालय उपलब्ध हुआ है, जहाँ पे कार्यकर्ता निसंकोच आ सकेंगे, जा सकेंगे, मीडिया की बात भी हो सकेगी, बड़ी बैठकें भी हो सकेंगी और साथ में बाहर से आने वाला कार्यकर्ता यहाँ पे रुक भी सकेगा। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का एक जीवंत संपर्क का एक केंद्र आज बना है, जो हमारे मंदिर से कम नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को निश्चित रूप से हम सब लोग स्मरण करेंगे। और एक और हमारी पार्टी है जिसका संगठनात्मक ढांचा है, जिसने इस प्रकार का अभूतपूर्व कार्य किया है। दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसके न जिला अध्यक्ष का पता है, न ब्लॉक अध्यक्षों का पता है, डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल हो गए और न उसके किसी कार्यालय का पता है, किसी के घरों से चलती है। ऐसे संगठन हमारा क्या मुकाबला करेगा? मैं समझता हूँ कि ऐसे समय जब हमारी सारी रचनाएँ आगे बढ़ती जा रही हैं, हम आगामी चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह सूपड़ा साफ करके रखेंगे और अजमेर ज़िले से उनको केवल अजमेर ज़िले से ही नहीं पूरे राजस्थान से साफ करके 2023 में यहाँ पर दो इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम? आज वर्चुअली राजस्थान के 10 जिला कार्यालयों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये जो कार्यालय है आपने स्वयं सुना ही है, नड्डा जी ने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी में को यदि समझना है तो निश्चित रूप से कार्यालय और कार्यकर्ता ये होना बहुत ज़रूरी है। और उसी नाते से कार्यकर्ता हमारे पास है, कोष हमारे पास है, लेकिन कार्यालय हमारे पास नहीं था और वो कार्यालय आज यहाँ बनकर के तैयार हुआ है। कार्यालय में बहुत सारी सुविधा संपन्न कार्यालय को किया गया है। मीडिया सेंटर बनाया है, छोटी मीटिंग्स के लिए अलग व्यवस्था है, पदाधिकारी जिला पदाधिकारियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है और साथ में ही आज का जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं आईटी, वो आईटी का पूरा एक अलग से एक कार्यालय स्थापित हुआ है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पार्टी के दिन प्रतिदिन काम बढ़ रहा है और जब कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल को जब सर्वव्यापी होना होता है तो सर्वव्यापी होने के लिए ये उसे बहुत आवश्यक है कि वो अपनी विचार को, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाए और उसके लिए एक नियमितता बहुत ज़रूरी है और उस नियमितता के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती ही है। अनेकों बार पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अस्थायी रूप से चुनाव में चले हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, तो भी अस्थायी रूप से कार्यालय संचालित होते आए हैं। लेकिन एक स्थायी कार्यालय जिसको स्वयं का कार्यालय कह सकते हैं, यदि कोई कार्यकर्ता प्रवास पर आता है तो उसको रुकने की व्यवस्था हो सकती है, उसको यहाँ दो तीन दिन ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसी आज की आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त सुविधाएं यहाँ विकसित की गई है और मुझे लगता है कि पार्टी का काम इससे और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अधिक सुविधाजनक तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाएंगे।